Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on इंट्रोडक्शन टू एंटीजन्स और इम्यूनोजन्स. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज इम्यूनोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एंटीजन्स क्या होते हैं इस पर मैं विस्तृत आपसे चर्चा करूँगा. इम्यूनोलॉजी की श्रृंखला में एक वीडियो पहले मैं लॉन्च कर चुका हूँ जो कि इंट्रोडक्शन इम्यूनोलॉजी का जस्ट इंट्रोडक्शन है. इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इसके पायनियर साइंटिस्ट कौन हैं, इसमें बॉडी के अंदर जो जनरल बैरियर है कौन कौन से हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, उस पर एक व्याख्यान में पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ. और अब इसमें स्टेप बाय स्टेप एंटीजन्स का वीडियो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. इसके बाद एंटीबॉडीज़ का एक व्याख्यान आपसे शेयर करूँगा. उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडीज़ में रिएक्शन कैसे होती है उस पर एक बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक वीडियो बनेगा. और इसके अलावा इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, उस पर एक लंबा डिलीवर लेक्चर है, वो डिलीवर मैं करूँगा. इसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या जिसको ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं उस पर भी एक व्याख्यान बनेगा. और इसके अलावा एमएससी और नेट और जेआरएफ के जो टॉपिक हैं जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है उस पर भी मैं आपसे चर्चा बीच बीच में चर्चा करता रहूँगा. सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इम्यूनोजन और एंटीजन्स. अब यहाँ पर एंटीजन और इम्यूनोजन ये दोनों शब्द एक दूसरे के वैसे तो सिनोनिम है, क्योंकि जो जनरल जो स्टूडेंट हैं, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली ये पता नहीं होता है कि एंटीजन्स क्या होते हैं, इम्यूनोजन्स क्या होते हैं. तो वो तो जनरली इम्यूनोजन और एंटीजन्स को एक ही वेराइटी के रूप में मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कट इनको आप मैं क्लासीफाई करूँगा. इम्यूनोजन क्या है, एंटीजन्स क्या हैं, एक एंटीजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एंटीजन की केमिकल नेचर क्या होती है, एंटीजन्स की वैरायटीज़ कितनी हो सकती है, इसके अलावा एक्सोजिनस एंटीजन और एंडोजिनस एंटीजन्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का इम्यूनोजन हो उसके अंदर क्या क्या सैलियंट फीचर्स होने चाहिए, इन सभी बातों को कलेक्ट करते हुए, फोकस करते हुए आज का मैं व्याख्यान आपसे शेयर करूँगा. अब इम्यूनोजन्स क्या है? बॉडी में बाहर से प्रवेश करने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको जनरली अपन इम्यूनोजन के रूप में काउंट कर सकते हैं या एंटीजन के रूप में काउंट कर सकते हैं. लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो इम्यूनोजन जो होगा उसमें दो लक्षणों का होना बहुत आवश्यक है. इसमें पहली करेक्टर तो है इम्यूनोजेनिसिटी, और सेकेंड जो फीचर है दैट इज़ रिएक्टिविटी. यहाँ पर इम्यूनोजेनिसिटी का अर्थ क्या है? जब कोई इम्यूनोजन बाहर से शरीर में प्रवेश करे और उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को प्रेरित करें, यानी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रेरित करें, या टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करें. जो अपने ब्लड में दो इम्पॉर्टेंट सेल है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट जो होती है वो जनरली एंटीबॉडीज़ बनाती है, और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रेरित करती है. क्योंकि टी लिम्फोसाइट भी कई तरह की होती है, उनकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं उनकी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है. तो एक जो अच्छा जो इम्यूनोजन होगा उसके अंदर पहली प्रॉपर्टीज है इम्यूनोजेनिसिटी, ये होनी चाहिए. और इम्यूनोजेनिसिटी अभी मैंने आपको बताया, इम्यूनोजेनिसिटी का अर्थ है कि जब कोई इम्यूनोजन शरीर में बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो वो शरीर में प्रवेश करने बाद में एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को प्रेरित करे, या टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करे, या दोनों ही गतिविधियों को संपादित करे, ये घटना इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानी जाती है. और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसमें रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी का अर्थ क्या होगा? जब कोई इम्यूनोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज़ के साथ वो रिएक्शन करे, या टी लिम्फोसाइट के साथ वो आपस में इंटरेक्शंस करे, तो ये गतिविधि रिएक्टिविटी के नाम से जानी जाती है.
तो एक अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो इम्यूनोजन होगा उसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है। उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी भी पाई जाती है, रिएक्टिविटी भी पाई जाती है। इसके अलावा कई एंटीजन ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को तो प्रेरित कर देते हैं लेकिन शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कई एंटीजन ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को तो प्रेरित नहीं करते हैं लेकिन शरीर में पहले से कोई उत्पन्न एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ वो रिएक्शंस कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ में केवल फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड नहीं है, कुछ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है सेकेंड प्रॉपर्टीज है। अब शरीर के अंदर जो एंट्री जो होती है एंटीजन्स की, ये एंट्री जनरली ब्लड के द्वारा हो सकती है, स्किन के द्वारा हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हो सकती है। क्यों? वैसे तो क्या है, बैरियर है आपकी स्किन है, ये भी एक बैरियर का काम करती है क्योंकि स्किन की जो लेयर है स्ट्रेटिफाइड है। स्किन में ऊपर एपिडर्मिस हैं, उसके नीचे डर्मिस हैं, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो कोई भी माइक्रोब स्किन के द्वारा जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसको कई लेयर को बाधा बैरियर को पार करके वो बॉडी के अंदर पेंटेट कर सकता है। इसके अलावा स्किन है क्रेटिनाइज होती है, इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, इसमें पुरानी क्यूटिकल है वो शरीर से निरंतर उतरती रहती है और रोज़ाना हाथ पैर धोते हैं तो उससे स्किन है वो वाश होती रहती है जिससे इसमें जो माइक्रोबाइटा होते हैं वो धीरे धीरे शार्प होते रहते हैं। इसके अलावा स्किन में सीबम निकलता है सीबेसियस ग्लैंड से, तो सीबेसियस ग्लैंड का प्यूट्रिफिकेशन होने के कारण इसमें कुछ लैक्टिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिससे स्किन की पीएच कम हो जाती है और कम पीएच होने से यहाँ पर माइक्रोबियल की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लड के द्वारा जो एंटीजन शरीर में प्रवेश करेंगे ये अंत में स्प्लीन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह स्किन के द्वारा जो एंटीजन प्रवेश करते हैं ये बॉडी में प्रवेश करने के बाद में लिम्फ नोड में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एंटर करने वाले जो एंटीजन्स हैं ये बाद में माल्ट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ पर माल्ट का अर्थ है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, कि अपने बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर लिम्फेटिक सेल्स हैं वो पाई जाती है। इसी तरह स्किन से रिलेटेड भी ऐसी रचनाएँ होती है जिसको काल्ट के नाम से जाना जाता है, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। तो जैसे अपने गले के अंदर जैसे टॉन्सिल है ये इसी तरह की रचना है। इसी तरह इंटेस्टाइन में जो पेयर्स पैचेज होते हैं वो इसी तरह की रचना है। तो यहाँ पर ब्लड के द्वारा एंटर करने वाले एंटीजन स्प्लीन में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, स्किन के द्वारा एंटर करने वाले एंटीजन्स लिम्फ नोड में जाके निक्षेपित हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एंटर करने वाले मॉलिक्यूल ये माल्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन अपने नाक में भी पाई जाती है नजल एपिथीलियम में, इसके अलावा जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, एनस के अंदर भी मेम्ब्रेन्स इनमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इन एंटीजन्स की शरीर में एंट्री हो सकती है लेकिन एंट्री होने के बाद में इनका जो पाथवे होगा टर्मिनल पाथवे वो इन ऑर्गेन्स के अंदर होता है। तो ब्लड वाले एंटीजन्स स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, स्किन वाले लिम्फ नोड में डिपॉजिट हो जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन वाले माल्ट में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद में इनका फिर क्लासिफिकेशन पे अपन चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन्स कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक एंटीजन्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। तो बेसिकली एंटीजन्स को 7 टाइप में डिवाइड किया गया है जिसके अंदर कंप्लीट एंटीजन, हेप्टेन या इनकम्प्लीट एंटीजन, थर्ड इज प्रो एंटीजन, फोर्थ इज क्रिप्ट एंटीजन, फिफ्थ इज स्यूडोक्रिप्ट एंटीजन, सिक्स्थ इज ऑटो एंटीजन एंड सेवन्थ इज एलो एंटीजन्स। अब इन 7 एंटीजन्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहली जो वैरायटी है कंप्लीट एंटीजन, कंप्लीट मतलब संपूर्ण। अब इस तरह का जो एंटीजन होगा उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी भी पाई जाती है और उसमें रिएक्टिविटी भी पाई जाती है और वास्तविक जो एंटीजन होते हैं वो जनरली इसी कैटेगरी के होते हैं। सो कंप्लीट एंटीजन्स आर दोज एंटीजन्स
विच कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड विच कैन बाइंड विद दीज एंटीबॉडीज। तो कंप्लीट एंटीजन वो एंटीजन होंगे जो शरीर में प्रवेश करने के बाद में एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करते हैं और बनने वाली एंटीबॉडीज के साथ वो रिएक्शंस भी करते हैं। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सेकेंड टाइप इज हेप्टेन। हेप्टेन जो होते हैं इनको इनकम्प्लीट एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है या कई बार इसको केवल एंटीजन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हेप्टेन वो एंटीजन्स हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद में एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित तो नहीं करते हैं लेकिन पहले से कोई जो एंटीबॉडीज बनी हुई है उसके साथ ये रिएक्शंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंप्लीट एंटीजन जो होगा इसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जो हेप्टेन है या इनकम्प्लीट एंटीजन्स हैं इनका अणुभार कम होता है तो इनके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी तो नहीं पाई जाती है लेकिन रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तीसरी जो टाइप है प्रो एंटीजन्स। अब प्रो एंटीजन्स जो होते हैं इनका मॉलिकुलर वेट बहुत कम होता है, दे हैव वेरी लो मॉलिकुलर वेट। और इन एंटीजन्स को जब स्किन के ऊपर इनका लेप लगाया जाता है तो स्किन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शंस होती है। तो कई बार देखा होगा कुछ व्यक्तियों को अलग अलग मॉलिक्यूल से एलर्जी होती है, किसी को लहसुन से एलर्जी है, किसी को प्याज से एलर्जी है, किसी को और कोई गैस है उससे जो एलर्जी होती है। तो मेडिकल में क्या करते हैं कि ह्यूमन की स्किन के ऊपर एलर्जेंस डालते हैं, अलग अलग एक एक ड्रॉप एलर्जेंस की डालते हैं। तो जिन एलर्जन से आदमी को सेंसिटिविटी होगी या एलर्जी होगी वहाँ पर जो स्किन होती है थोड़ी फूल जाती है। तो मेडिकल टेस्ट में क्या होंगे 15-20 तरह के एलर्जन स्किन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर स्किन के ऊपर डालते हैं और इन एलर्जन्स के प्रति यदि एलर्जी होगी तो वो स्किन का जो पार्ट होगा वो फूल जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और उससे अपने को आइडिया लग जाती है कि इस व्यक्ति को इन मॉलिक्यूल से एलर्जी है और वो व्यक्ति फिर खाने पीने में इन चीज़ों की परहेज करता है। तो यहाँ पर प्रो एंटीजन जो होंगे इनका अणुभार कम होता है, दे हैव लो मॉलिकुलर वेट और स्किन टेस्ट में ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की जो गतिविधि है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी जो टाइप है क्रिप्ट एंटीजन। क्रिप्ट का मतलब हिडन यानी छिपा हुआ। अब इस तरह के जो एंटीजन होंगे इसमें एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन करने वाले जो एरिया जो होते हैं जिसको एपिटोप के नाम से जनरली जाना जाता है या डिटर्मिनेट के नाम से जाना जाता है। तो जनरली तो क्या होता है एपिटोप जो होते हैं वो एकदम टर्मिनल पोर्शन पे होता है। इसी तरह एंटीबॉडीज़ में रिएक्शन करने वाले जो पार्ट हैं वो पैराटोप के नाम से जाने जाते हैं। तो एक्चुअल एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में जो रिएक्शन होती है वो एंटीजन के एपिटोप और एंटीबॉडीज़ के पैराटोप के बीच में होती है। तो इस तरह के जो एंटीजन होंगे क्रिप्ट, अब क्रिप्ट में नाम से स्पष्ट है छिपा हुआ यानी हिडन, इस तरह के जो एंटीजन्स होंगे इसके अंदर एंटीजन डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं या एपिटोप जो होते हैं वो टर्मिनल पोर्शन में नहीं होते हैं, टर्मिनल पोर्शन से थोड़ा नीचे होते हैं। या यो कह सकते हैं इन दीज एंटीजन्स एपिटोप्स आर सब टर्मिनल इन पोजिशन। चौथी पाँचवीं जो टाइप है सीडो क्रिप्ट एंटीजन। सीडोमिस मिथ्या यानी फॉल्स प्रकार के। अब इस तरह के जो एंटीजन होते हैं जब भी लेबोरेटरी में सीरम टेस्ट करते हैं पेट्रीडिश के अंदर या और किसी सबस्टेटम के ऊपर या किसी बेसमेंट के ऊपर तो ये जो एंटीजन होते हैं ये सरफेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सरफेस है मान लीजिए पेट्रीडिश में आप कोई सीरम टेस्ट करने जा रहे हो और सीरम टेस्ट में सरफेस के नीचे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नीचे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ये फिर क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ के साथ एंटी सीरम के साथ ये अभिक्रिया रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो एंटीजन होंगे वो स्यूडो क्रिप्ट एंटीजन के नाम से जाने जाएंगे। छठी टाइप है इसमें ऑटो एंटीजन। अपनी बॉडी में बहुत ही मिरेकल प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। जनरली बाहर से एंटीजन प्रवेश करता है तब तो आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता ही है लेकिन कई बार बाहर से एंटीजन प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आधे माले बीमार हो गया, उस केस में कई बार देखा गया है कि आपकी बॉडी के अंदर संश्लेषित सिंथेसिस होने वाले जो मॉलिक्यूल है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शंस को बढ़ा देते हैं, टी लिम्फोसाइट के प्रोलीफरेशंस को बढ़ा देते हैं
और इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑटो एंटीजन्स के नाम के से जाने जाते हैं। तो ऑटो एंटीजन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी एंड दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन इन विच दीज ऑटो एंटीजन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ऑटो एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो मनुष्य के शरीर में बनते हैं और उसी मनुष्य के इम्यून सिस्टम को ये बी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट को प्रेरित करते हैं, HMI गतिविधि को प्रेरित करते हैं, CMI गतिविधि को प्रेरित करते हैं और इस तरह के जो एंटीजन्स होते हैं ये ऑटो एंटीजन्स के नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट टाइप जो है एलो एंटीजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जैसे आप जानते हो अपने बॉडी में ABO सिस्टम होता है, RS सिस्टम होता है, MN सिस्टम होता है और इसके अलावा पूरा डिटेल में जाएं तो ह्यूमन के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 82 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं वो अब तक डिस्कवर हो गए, जिसमें कुछ ब्लड ग्रुप हैं वो तो पब्लिक टाइप के हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कबीलों में ही पाए जाते हैं। तो विशेषकर जो अफ्रीका जो महाद्वीप है एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, जैव विविधता के हिसाब से बहुत ही रहस्यमय कंट्री है और अफ्रीकन में आदिवासी लोग होते हैं, वहाँ पर अलग अलग कबीले हैं। तो वहाँ पर ये देखा गया अलग अलग कबीलों में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ABO सिस्टम का मैं जैसे आपसे डिस्कस करूँगा तो ABO सिस्टम में आपने देखा कि RBC की प्लाज्मा झिल्ली में एंटीजन ए हो सकता है, एंटीजन बी हो सकता है, ए और बी दोनों एंटीजन हो सकते हैं या कोई भी एंटीजन नहीं हो। तो मान लो RBC की प्लाज्मा झिल्ली में केवल ए एंटीजन प्रेजेंट हो, इट मीन्स इस व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन हो इट मीन्स इसमें बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों एंटीजन यदि हो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप AB प्रकार का है, और दोनों ही एंटीजन यदि RBC की मेम्ब्रेन में नहीं हो इसका मतलब इस आदमी का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ टाइप का है। तो ये जो पर्टिकुलर फैमिली में पर्टिकुलर ट्री में पर्टिकुलर फिनोजेनिक ट्री में जो ये एंटीजन्स पाए जाते हैं इनको एलो एंटीजन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैमल्स के केस में प्राइमेट है, जैसे प्राइमेट के अंदर चिंपैंजी भी है, बंदर भी है, लंगूर भी है, ऑरंगोटैन भी है, बेबून भी है, वनमानुष भी है, मनुष्य भी है और इन जितने भी प्राइमेट हैं इनके अंदर ये ब्लड ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं और ये ब्लड ग्रुप इन एंटीजन्स की प्रेजेंस की बेसिस पे होते हैं। इन एंटीजन्स में म्यूटेशंस चलते रहते हैं। तो अभी तो मान लीजिए ABO सिस्टम में अपनी बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए टाइप, बी टाइप, AB टाइप, ओ टाइप, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है किसी एंटीजन्स में म्यूटेशंस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए तो उस एंटीजन्स की केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी, उस केस में 4 ब्लड ग्रुप की बजाय और ज़्यादा ब्लड ग्रुप की संख्या है वो बढ़ सकती है। तो ये एक बेसिक आइडिया है एंटीजन्स के क्लासिफिकेशन की, एंटीजन्स की टाइप्स की। अब चर्चा करते हैं अपन इसके केमिकल नेचर्स की, क्यों कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एंटीजन की रासायनिक प्रकृति क्या है, एंटीजन की केमिकल नेचर क्या है। तो इसमें बहुत सिंपल आइडिया है, याद करने की जरूरत नहीं है। एंटीजन कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एंटीजन कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, एंटीजन प्रोटीन हो सकते हैं, एंटीजन लिपिड हो सकती है, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, एंटीजन ग्लाइकोलिपिड हो सकती है, एंटीजन लिपोप्रोटीन हो सकते हैं। तो केमिकल नेचर इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्योर लिपिड जो होती है वो कई बार एंटीजन्स के रूप में खरी नहीं उतरती है। इसके अलावा प्लास्टिक है जैसे, ये एंटीजन का काम नहीं करता है। आपने मान लिया प्लास्टिक का कोई टुकड़ा खा लिया तो आपकी बॉडी में कोई रिएक्शंस नहीं होगी। इसी तरह कांच के जो टुकड़े हैं ये एंटीजन का काम नहीं करते हैं। आपने कांच की गोली निगल ली और ये कांच की गोली आपके अमाशय में पड़ी रहेगी। इसी तरह स्टील जो है ये एंटीजन का काम नहीं करता है। जो कई बार देखा होगा आप कुछ लड़के लड़कियां हैं वो आलपिन खा लेते हैं, स्टील की ब्लेड खा लेते हैं और वो फिर ऑपरेशन के द्वारा उनके अमाशय से निकाली जाती है। इसी तरह सेलुलोज जो है ये एंटीजन का काम नहीं करता है, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो शरीर के अंदर चले तो गए लेकिन वो शरीर में निष्क्रिय रूप में पड़े रहे, किसी तरह की एंटीबॉडीज़ के वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए इनका मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा यूज है। जैसे प्लास्टिक जो है, मान लो किसी आदमी का
हार्ट के वाल खराब हो गए सपोज, अब आर्टिफिशियल जो वाल लगते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो किसी आदमी के हार्ट के वाल खराब हो गए तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के वाल हैं वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, और ये प्लास्टिक है एंटीजन का काम नहीं करता है, इसलिए इन आर्टिफिशियल वाल का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। यदि एंटीबॉडीज बने उस केस में तो ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। इसी तरह कांच जो है, अब जिन आदमियों की आंखों में मोतियाबिंद बन जाता है, कैटरेक्ट बन जाता है, लेंस हार्ड हो जाता है, लेंस काम करना बंद कर देता है, तो उसके अंदर देखा होगा लेंसों का प्रत्यारोपण करते हैं, लेंस का इम्प्लांटेशन करते हैं, और ये लेंस कांच के बने होते हैं और आंखों में इम्प्लांट हो गया, उसके बाद में कोई रिएक्शंस नहीं है, अदरवाइज तो लेंस का इम्प्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट है वो फ्लॉप हो सकता है। इसी तरह स्टील जो है, तो कई बार देखा होगा एक्सीडेंट में हड्डियाँ टूट जाती है, अब हड्डियाँ टूट जाती है, दो टूटी हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए स्टील के नट बोल्ट रिपट है वो डॉक्टर नट बोल्ट कस देते हैं, तो रिपट लगी तो हड्डी क्या एकदम इकसार जुड़ती है, यूनिफॉर्म जुड़ती है, उसके अंदर कोई डिमार्केशंस नहीं होता है, और हड्डी जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ भी हो जाती है। उसके बाद हड्डी जुड़ने के बाद में इन इस्पात के नट बोल्टों को वापस निकाल देते हैं, इसलिए जितने भी हड्डियों के जोड़ संबंधी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें इन स्टील का यूज होता है। इसी तरह सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज है ये भी एंटीजन्स का काम नहीं करता है, इसका भी बॉडी में अंदर जाने के बाद में कोई रिएक्शंस नहीं होती है, तो यहाँ पर देखा गया जब भी ऑपरेशंस करते हैं, चीरफाड़ करते हैं, तो धागे जो होते हैं जनरली सिलाई में जो धागे आते हैं वो धागे ये कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, और बिल्ली की जो इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन से ये फाइबर्स निकाले जाते हैं, उन फाइबर से इन स्किन की जो है वो सिलाई होती है, सिलाई होती है तो वो स्किन का जो जोड़ है वो एक दूसरे से चिपक जाता है, और ये जो फाइबर है वो धीरे धीरे गल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये केमिकल नेचर के बारे में आइडिया है। अब इसके और जो हिडन पहलू है उस पर मैं चर्चा करूँगा, जैसे एपिटोप क्या है, व्हाट इज एपिटोप। एपिटोप जो होते हैं इनको निर्धारक के नाम से भी जाना जाता है, डिटर्मिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, और एपिटोप एंटीजन के वो पार्ट हैं जो एंटीबॉडीज़ के पैराटोप के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक्चुअल में ये रिएक्शन एंटीजन के एपिटोप और एंटीबॉडीज़ के पैराटोप के मध्य होती है, और एपिटोप जो है ये एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप है, ये एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं, फिनोलिक ग्रुप भी हो सकते हैं, एमिनो ग्रुप भी हो सकते हैं, और कोई सीक्वेंस भी हो सकती है। सो एपिटोप्स आर दोज रीजन्स, और एपिटोप्स आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विच रिएक्ट्स विथ पैराटोप ऑफ एन एंटीबॉडीज। अब एपिटोप की संख्या कितनी होगी एक एंटीजन्स में, एपिटोप की संख्या जो है ये वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब मान लो किसी एंटीजन में एक ही वैलेंसी हो तो ये एंटीजन्स कहलाता है मोनोवेलेंट, जैसे इस डायग्राम में हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने बनाया है, जिस एंटीजन में दो वैलेंसी हो वो एंटीजन कहलाता है बाईवेलेंट, और एंटीजन में जब एपिटोप की संख्या दो से ज़्यादा हो तो ये कहलाता है मल्टीवेलेंट। तो ये तीन फिगर में आप देख लो, जैसे ये मोनोवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है, ये ट्राईवेलेंट है, तीन से ज़्यादा वैलेंसी भी हो सकती है, और जिस एंटीजन में एपिटोप की संख्या डिटर्मिनेंट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो एंटीजन सबसे बढ़िया होता है। इसलिए जितने भी इम्यूनोजन्स हैं वो प्राय मल्टीवेलेंट प्रकार के होते हैं, जितने भी इनकम्प्लीट एंटीजन्स हैं या और कोई एंटीजन्स हैं वो जनरली मोनोवेलेंट प्रकार के होते हैं, और मल्टीवेलेंट प्रकार के जो एंटीजन होंगे इनका आकार बड़ा होता है, इनका अणुभार ज़्यादा होता है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, प्योर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एपिटोप की संख्या की बेसिस पे ये मोनोवेलेंट हो सकते हैं, बाईवेलेंट हो सकते हैं, मल्टीवेलेंट हो सकते हैं। अब बी कोशिकाएं जो होती है ब्लड के अंदर, यानी बी लिम्फोसाइट, इसके अलावा टी कोशिकाएं यानी टी लिम्फोसाइट, अभी मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट जो होती है ये जनरली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, टी लिम्फोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करती है।
इसलिए बी लिम्फोसाइट के द्वारा होने वाली जो प्रतिरक्षी जो प्रणाली है वो HMI के नाम से जानी जाती है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि टी सेल के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो CMI के नाम से जानी जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर बी कोशिका और टी कोशिका इन दोनों के द्वारा एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है, लेकिन दोनों के एपिटोप रिकॉग्निशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे बी कोशिकाएँ जो होती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है, दे इन्वॉल्व बाइनरी कॉम्प्लेक्स, यानी ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। बाइनरी कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? बी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर बाहर से प्रवेश करने वाले एंटीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर उपस्थित रिसेप्टर, ये रिसेप्टर एंटीजन के साथ कंबाइंड हो गया। अब यहाँ पर दो ही चीज़ों में बाइंडिंग हो रही है, एक तो बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर में और एक एंटीजन्स में। तो यहाँ पर दो के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? बाइनरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती है इसके अंदर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी इसमें तीन तरह के रिसेप्टर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? एक तो टी सेल कोशिकाओं का रिसेप्टर, इसके अलावा बाहर से प्रवेश करने वाला एंटीजन, और एक होता है MHC, इसको होता है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो कॉमन है, सेल रिसेप्टर इसमें भी हैं, इसमें भी है, एंटीजन इसमें भी हैं, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक ये मॉलिक्यूल और आ गया MHC, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो तीन मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स किस नाम से जाना जाएगा? टर्नरी कॉम्प्लेक्स के नाम से, तृतीय कॉम्प्लेक्स के नाम से। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट जो होती है ये सॉल्यूबल एंटीजन के साथ बाइंडिंग करती है, घुलनशील जो एंटीजन्स है उसके साथ ये बाइंड करती है। लेकिन टी सेल जो होती है इनमें इस तरह की बाइंडिंग नहीं होती है, टी सेल कभी भी सॉल्यूबल एंटीजन्स के साथ बाइंडिंग नहीं करती है। इसके अलावा बी सेल एपिटोप जो होते हैं इसमें MHC मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है, MHC मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इसके अंदर MHC मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, MHC मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। अब बी लिम्फोसाइट में जो एंटीजन्स होंगे, ये एंटीजन्स की केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये फैट भी हो सकते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट के जो एंटीजन्स होंगे ये प्राय प्रोटीन्स ही होते हैं, या यो कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और फैटी नेचर के जो एंटीजन्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, या उनके साथ वो रिएक्शंस नहीं करती है। और लास्ट जो इसमें डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है, बी सेल एपिटोप जो होते हैं ये एसेसिबल होते हैं, आप इसको आप इजीली एसेस कर सकते हो, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जल स्नेही होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, और इन पेप्टाइड में सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल दोनों टाइप के एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। जबकि टी सेल के जो होंगे ये इंटरनल होते हैं, पहली बात तो इंटरनल पोजिशन है, लीनियर होते हैं, और प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एंड केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू MHC मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये एंटीजन की प्रोसेसिंग भी कर सकती है और मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड भी कर सकती है। तो यहाँ पर बी सेल और टी सेल इन दोनों के एपिटोप रिकॉग्निशंस में क्या क्या स्टेप होती है, क्या क्या इसके अंदर बेसिक डिफरेंसेस है, वो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपसे शेयर किए हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है दैट इज डाइवर्सिटी। अब कई बार ये बच्चे पूछते हैं कि सर एंटीजन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आंसर इसका बहुत टिपिकल है। एंटीजन्स की वैरायटी है वो करोड़ों हो सकती है, आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल प्रवेश करेगा उसको आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसके साथ रिएक्शंस कर सकती है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है।
लेकिन एक अनुमानिक तौर पर आपकी बॉडी में लगभग 10^9 प्रकार के डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। 10^9, अब आप कल्पना करो, 10^9 यानी 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 9 × 10 × 10 × 10 लिखो। अब 10 को 10 से गुना किया 100 हो गए, 100 को 10 से गुना किया 1000 हो गए, 1000 को 10 से गुना किया 10000 हो गए, 10000 को 10 से गुना किया 100000 हो गए। तो 9 बार ये मल्टीप्लीकेशन चलता है, और उसके बाद जब आप काउंट करोगे तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। इतने एंटीजन्स की पहचान आपकी बॉडी कर सकती है, और इसका जो प्रोसेस जो होगा ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एंटीजन्स होते हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बाहर से जो भी एंटीजन प्रवेश कर रहा है ये सबसे पहले बी कोशिकाओं के द्वारा या टी कोशिकाओं के द्वारा इसकी पहचान की जाती है, इसका रिकॉग्निशन होता है। और रिकॉग्निशन होने के बाद में अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लेबोरेटरी में स्टेम सेल्स में भी किए गए हैं, स्टेम सेल में। तो स्टेम सेल के अंदर क्या है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है, जीन की रिकॉम्बिनेशन होती है, और ये पाया गया कि इन स्टेम सेल्स में हजारों प्रकार के एंटीजन रिसेप्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। क्योंकि जीन की जब रीशफलिंग होती है, जीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग जीन के जो सेगमेंट हैं आपस में अरेंज होते हैं, तो इसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे उसकी वैरायटी भी अलग तरह की होगी। हाँ, इसी तरह बी और टी कोशिकाओं में मिनी जीन का एक सेट पाया जाता है, सेट ऑफ मिनी जीन्स प्रेजेंट होता है। इस मिनी जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी इसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इन आरएनए के अंदर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होता है तो इसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल इन कोशिकाओं की झिल्ली में जाके स्थापित हो जाते हैं, और ये प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन्स का काम करता है। क्यों, बाहर से जो एंटीजन प्रवेश कर रहा है वो बाइंड कहाँ होगा, एंटीजन की रिसेप्टर्स के साथ, और ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। तो ये इनकी एंटीजन की डाइवर्सिटी और उनका रिकॉग्निशन। अब एक जो इम्पोर्टेंट पहलू जो है इसमें, अभी मैंने चर्चा की थी MHC एंटीजन मेजर हिस्टो कंटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो MHC एंटीजन्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और कोशिकाओं में इसकी एक्सोजिनस और एंडोजिनस मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। तो पहली बात तो MHC जो एंटीजन्स हैं इनको दो क्लास के अंदर वर्गीकृत किया गया है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लास। एक तो क्लास फर्स्ट MHC एंटीजन और क्लास सेकेंड MHC एंटीजन। क्लास फर्स्ट के जो एंटीजन्स होंगे ये शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सिवाय रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को छोड़कर। RBC की सरफेस पे तो केवल एलो एंटीजन्स मिलेंगे। तो बॉडी में RBC को छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं, चाहे वो सोमेटिक सेल्स हों, चाहे मोटाइल सेल हों, चाहे नॉन मोटाइल सेल हो, चाहे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की सेल हों, उन सब की मेम्ब्रेन में इस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। और क्लास सेकंड जो मॉलिक्यूल है ये केवल APC सेल्स में, APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, केवल APC सेल जो होती है उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे थायमोसाइट सेल होती है, थायमोसाइट सेल है वो एक तरह की APC सेल है। अब इन एंटीजन की जो प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग में एक्सोजिनस एंटीजन कैसे प्रोसेस होगा और एंडोजिनस एंटीजन कैसे प्रोसेस होगा, इसकी भी एक बहुत सिस्टमेटिक पाथवे है। अब यहाँ पर एक्सोजिनस एंटीजन वो होते हैं जो शरीर के बाहर प्रेजेंट हैं और शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एंडोजिनस एंटीजन वो हैं जो है तो एक्सटर्नल लेकिन इनका शरीर में सिंथेसिस हो सकता है, या इस बात को यूँ कह सकते हैं कि जो एक्सोजिनस जो एंटीजन्स हैं इनका शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है लेकिन इनकी प्रोसेसिंग हो सकती है, और एंडोजिनस जो एंटीजन है इनका बॉडी के अंदर सिंथेसिस भी होता है और इनकी प्रोसेसिंग भी होती है। अब यहाँ पर एक्सोजिनस एंटीजन की प्रोसेसिंग कैसे होगी, एंडोजिनस एंटीजन की प्रोसेसिंग कैसे होगी, इस पे इस डायग्राम के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो एक्सोजिनस जो एंटीजन होता है
इसमें सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इंजेशन ऑफ एंटीजन्स, यानी जो भी सेल्स हैं वो सेल्स सबसे पहले इस एंटीजन्स को रिसीव करेगी। अब सपोज ये सेल है, मान लो अब ये सेल है, ये एंटीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल फूड कप के द्वारा यानी फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये सेल में प्रवेश कर रहे हैं। सपोज ये सेल ही है, मान लो ये सेल में सीक्वेंस एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करी है, सपोज मान लो ये सेल ही है। सपोज अभी सेल के एक तरफ ये फैगोसोम के द्वारा फूड कप बना और इस फूड कप के द्वारा ये एंटीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रवेश कर रहे। अब जो ही एंटीजन के मॉलिक्यूल इस सेल में प्रवेश कर गए, अब ये फैगोसोम या एंडोसोम नामक रचना बन गई जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये एक्सोजिनस एंटीजन्स। तो इसकी जो सेकंड जो स्टेप है, डाइजेशन ऑफ एंटीजन्स। अब क्या करेंगे, ये जो एंटीजन जो है ये अपने अपने फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाए। तो एंटीजन का फ्रेगमेंट में टूटना, इनके पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये डाइजेशन का प्रोसेस कराता है। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। तो जनरली तो क्या होता है कि जो फैगोसाइटोसिस होता है अपनी बॉडी में, उसमें फैगोसोम के साथ लाइसोसोम जो होता है वो अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये वेसिकल बनेगी और इस वेसिकल की फॉर्मेशन गॉल्जी बॉडीज के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर की जो वेसिकल दिखाई है, ये एक प्रकार का लाइसोसोम है, ये मान के चलो, या इस वेसिकल में इन पेप्टाइड श्रृंखलाओं को इससे अटैच होने वाले मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये रेड कलर की जो वेसिकल है, ये वेसिकल गॉल्जी बॉडीज के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, गॉल्जी बॉडीज के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। अब यहाँ पर ये एंडोसोम या फैगोसोम और ये वेसिकल जो गॉल्जी बॉडीज से बनी है, ये दोनों आपस में मिल जाती है। इन दोनों मेम्ब्रेन को मैंने अलग कलर में इंडिकेट किया है। एंडोसोम की जो मेम्ब्रेन है ये वाइट कलर में मैंने दिखाई है, और गॉल्जी बॉडीज द्वारा बनने वाले जो वेसिकल ये मैंने रेड कलर में दिखाई है, और इसके अंदर इन एंटीजन्स के रिसेप्टर हैं। यहाँ पर एक्चुअल में MSC मॉलिक्यूल्स हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि प्रत्येक एंटीजन की जो शेप और साइज है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप और साइज यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये गॉल मॉलिक्यूल है तो इसके लिए गॉल रिसेप्टर साइट है, ये ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल है इसके ट्राइंगुलर साइट है, ये मान लीजिए स्क्वायर मॉलिक्यूल है इसके स्क्वायर साइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंटीजन के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट इन अपने कॉरस्पॉन्डिंग MSC मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच हो जाते हैं, एडियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेरिकल मॉलिक्यूल स्पेरिकल साइट से अटैच हो गया, ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर साइट से अटैच हो गया है, जो स्क्वायर मॉलिक्यूल था ये स्क्वायर साइट से अटैच हो गया। तो एंटीजन के जो फ्रेगमेंट थे वो फ्रेगमेंट इन MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गए। और यहाँ पर जो MSC मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली MSC सेकेंड मॉलिक्यूल है, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी सेकेंड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या होगा, लास्ट में एक्सोसाइटोसिस होता है, एंटीजन प्रवेश कर रहे हैं, ये तो एंडोसाइटोसिस है, अब इसका होगा एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जब होता है तो ये जो झिल्ली है ये सेल की झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाएगी। और अब आप देख रहे हो इसकी सरफेस में, इस सेल की जो प्लाज्मा झिल्ली है, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये MSC मॉलिक्यूल्स भी आ गए और एंटीजन के जो फ्रेगमेंट है वो भी इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर दो चीज़ें, दो रचनाएँ इस सेल की झिल्ली में आ गए, MSC मॉलिक्यूल आ गए, एंटीजन के फ्रेगमेंट्स आ गए। अब ये किसी एंटीबॉडीज़ के साथ ये रिएक्शंस कर सकती है, तो एंटीबॉडी जब यहाँ जुड़ेगी तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया था। यहाँ पर ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है सेल रिसेप्टर्स का, एंटीजन्स का और मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। तो ये एक्सोजिनस एंटीजन की प्रोसेसिंग का एक सीक्वेंशियल डायग्राम है। अब चलते हैं अपन एंडोजिनस एंटीजन की प्रोसेसिंग कैसे होगी। अभी मैंने बताया कि एंडोजिनस एंटीजन जो होते हैं ये वैसे तो बाहरी मॉलिक्यूल है, लेकिन इनका शरीर के अंदर संश्लेषण हो सकता है। दीज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज इन टू द बॉडी, और इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें सपोज वायरल प्रोटीन है, कोई भी वायरस है उसका प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन सेल के अंदर प्रवेश करेगा इनसाइड द सेल,
और सेल में प्रवेश करने के बाद में ये वायरल प्रोटीन जो है ये सेल की मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरी मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ऑक्यूपाई करने के बाद में ये MHC फर्स्ट के साथ ये बाइंड होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पलेटी फर्स्ट के साथ ये बाइंड होते हैं, और इसके साथ बाइंड होने के बाद में ये इस सेल की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो दोनों ही केस में, चाहे वो एक्सोजिनस हो चाहे एंडोजिनस हो, उसे आप देख लो ये मॉलिक्यूल MHC के थ्रू प्लाज्मा झिल्ली में आके एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये तो बहिर्जात मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग दिखाई है मैंने, और इसमें अंतर्जात यानी एंडोजिनस प्रोटीन की प्रोसेसिंग दिखाई है। और अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो टास्क है इसमें, ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर एक एंटीजन में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, एंटीजन में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन करेक्टरिस्टिक जो मैंने सॉर्ट आउट करी है आपके एग्जाम पर्पज से, एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें सबसे पहली बात तो है कि दे आर जेनेटिकली फॉरेनर्स, जितने भी एंटीजन्स हैं ये अनुवंशिक रूप से बाहरी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यानी जेनेटिक फॉरेनर्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो, यदि इन मॉलिक्यूल का अपने शरीर में संश्लेषण यदि संभव है तो उनको जेनेटिकली फॉरेनर नहीं माना जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी में 10^9 प्रकार के मॉलिक्यूल्स का रिकॉग्निशन हो सकता है, इतने मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज हो सकता है, तो अपनी बॉडी में संश्लेषण नहीं हो उस केस में उसको जेनेटिकली फॉरेनर मॉलिक्यूल्स माना जाएगा। तो एंटीजन है वो आनुवंशिक रूप से बाहरी होने चाहिए, उनका शरीर में यदि संश्लेषण है तो उसको फिर फॉरेनर मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं माना जाता है। दूसरी विशेषता मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज से मतलब अणुभार से। अभी मैंने बताया कि जिन मॉलिक्यूल्स में अणुभार 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो वो एक बढ़िया एंटीजन का काम करते हैं, जिनका अणुभार 5,000 डाल्टन के आसपास हो वो एक इंटरमीडिएट एंटीजन का काम करते हैं, जिनका अणुभार 1,000 डाल्टन के आसपास हो वो उसमें इम्यूनोजेनेसिटी तो नहीं पाई जाएगी लेकिन वो रिएक्टिविटी दर्शा सकते हैं। तो जिन एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो एंटीजन सबसे बढ़िया माने जाते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज से मतलब मॉलिक्यूलर वेट से मान लो, उसके आकार से मान लो। केमिकल कॉम्प्लेक्स, ये भी बात मैंने आपको बताई, सिंपल जो मॉलिक्यूल होंगे वो बढ़िया एंटीजन का काम नहीं करते। मान लीजिए सिंपल लिपिड है, सपोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल प्रोटीन्स हैं, ये कोई बेस्ट एंटीजन के रूप में काउंट नहीं होता। लेकिन इनके साथ और मॉलिक्यूल अटैच हो गए, मान लीजिए प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गई तो ये ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, अभी एक बढ़िया एंटीजन का काम करेगा। प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ गई, ये लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया, ये एक बेस्ट एंटीजन का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड अटैच हो गई, ये ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो गया, ये एक बढ़िया एंटीजन का काम करेगा। प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच हो गया, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया, ये एक बढ़िया एंटीजन्स का काम करेगा। और एंटीजन कुछ भी हो सकते हैं, एंटीजन एक बैक्टीरिया की सेल वॉल हो सकती है, बैक्टीरिया द्वारा साबित होने वाला जो एक्सोटॉक्सिन है वो हो सकता है, बैक्टीरिया की जो फ्लेजलाइन होती है वो टॉक्सिन हो सकती है। अभी कोरोना वायरस में देखा, इस कोरोना वायरस में जो स्पाइक जो निकले हैं, प्रोटीन की जो ताड़ियाँ निकली है छोटी छोटी, वो स्पाइक के एंटीजन्स का काम करती है, और इन्हीं स्पाइक की एमिनो एसिड की सिक्वेंसिंग करके वैक्सीन्स बनी है। ये कोरोना में म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट है। अभी कल के पेपर में थी, इंडिया के अंदर 8,000 स्ट्रेन इस कोरोना वायरस के डेवलप हो गए, 8,000 वैरायटी, जबकि पिछले वर्ष जब फरवरी में इसका इन्फेक्शन जब चालू हुआ था उसमें इंडिया में केवल 8 ही स्ट्रेन थे कोरोना के, लेकिन अभी कल की पत्रिका में न्यूज है कि इसके 8,000 स्ट्रेन है वो इंडिया में डेवलप हो गया। इट मीन्स इसमें म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट है, हालांकि जितना ज़्यादा म्यूटेशंस होगा इनकी वायरलेंस ही है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो वर्तमान में जो कोरोना का वायरस है वो कमज़ोर हो गया, वो एक सर्दी जुकाम के वायरस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ प्रभेद ऐसे हैं जो बहुत डेंजरस हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। वो कौन सी सिटी में हैं, किस इलाके में हैं और कब आदमी उनकी चपेट में आ जाए ये अपन कह नहीं सकते।
इसलिए प्रिवेंशन है वो बेटर देन क्योर। कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन से मतलब विन्यास। अब प्रोटीन है तो इसके अंदर भाई प्राइमरी लीनियर कॉन्फिग्रेशन है या अल्फा हेलिकल कॉन्फिग्रेशन है या बीटा प्लेट के रूप में कॉन्फिग्रेशन है, तो जिस तरह की आकार और आकृति होगी वो भी कई बार क्या डिपेंड करती है। सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल होंगे वो कोई अच्छे एंटीजन्स नहीं होते, तो स्पेशल ज्योमेट्री भी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में ये जो एंटीजन है इसमें एमिनो एसिड की सीक्वेंस कैसी है, इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से हैं। अब प्रोटीन है तो उसमें आप जानते हो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। तो कई बार ये देखा गया कि लाइसोजाइम जैसे है, आँखों में आंसू में जो निकलता है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम में जब डाइसल्फाइड बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो ये बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल है, और डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड बॉन्ड जब ख़त्म हो जाते हैं तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उस एंटीजन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस कैसी है, उसमें बॉन्डिंग नेचर कैसी है, उस पर भी एंटीजन की प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड होती है। मोबिलिटी, गतिशीलता। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी है, उसके अंदर कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन जिस मोमेंट में बॉडी में प्रवेश करने के बाद में गतिशीलता है, मोटिलिटी है, मोबिलिटी है, तो वो एक अच्छे एंटीजन्स की पहचान है। स्टैग्नेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अच्छे एंटीजन्स का काम नहीं करेंगे, इसलिए एंटीजन में गतिशीलता का होना बहुत ज़रूरी है, मोटिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर, दैट इज स्पेशियल कॉम्प्लीमेंटरिटी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार है। तो जिस तरह का ज्यामिति विन्यास एंटीजन्स का होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो एंटीबॉडीज़ में पाई जाएगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की आकार और आकृति कैसी है उस पर भी एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जैसे मान लो सपोज मान लो एंटीजन है, सपोज और इस एंटीजन की आकृति मान ली इस तरह की है, सपोज ये मान ली है इस एंटीजन का स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन है सपोज। अब इस तरह की जो एंटीजन जो होगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज की जो डिजाइन होगी उसके साथ वो रिएक्शन कर सकती है। मान लीजिए कोई एंटीबॉडीज है और उसकी आकृति मान लीजिए इस तरह की है सपोज, तो ये एंटीजन ये एंटीबॉडी, तो दोनों की शेप और साइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अटैचमेंट वाली है, उस केस में एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन है वो संपादित होती है। तो एक बढ़िया जो एंटीजन होगा उसमें स्पेशियल कॉन्फिगरेशन ज्यामिति विन्यास है वो भी होना चाहिए। तो ये घटना ठीक उसी तरह है जैसे शर्ट के अंदर जो काज और बटन, हमारे लिए काज छोटा है बटन बड़ी है तो वो बटन शर्ट नहीं होगी, इसी तरह काज बड़ा है बटन छोटी है तो आपने जड़ तो लिया लेकिन वो बटन वापस लूज हो जाएगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में जो रिएक्शन होगी वो एपिटोप और पैराटोप के बीच में होने वाली अभिक्रिया है, लेकिन ये इसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है, एंटीजन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, अणुभार पे डिपेंड करती है, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है। तो ये एक नटसेल में, और लगभग मैंने सभी पॉइंट्स को आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से सारी चीज़ें मैंने इसमें कंपाइल करने की कोशिश की है। तो एंटीजन्स क्या होते हैं, इम्यूनोजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स के टाइप्स कितने हैं, एंटीजन की केमिकल नेचर क्या हो सकती है, एपिटोप क्या होते हैं, बी सेल टी सेल एपिटोप का रिकॉग्निशन में क्या क्या डिफरेंस है, एंटीजन में डाइवर्सिटी कितनी प्रकार की होती है, इसके अलावा जो MS जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड टाइप के जो MSC मॉलिक्यूल हैं इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें मैंने डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, और एक अच्छे एंटीजन के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए,
ये प्रॉपर्टीज लास्ट ईयर मैंने कंपाइल की है। तो ये एक नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, एंटीजन्स या इम्यूनोजन। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस चैनल। और इम्यूनोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्रांच है साइंस की, एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जितने भी एग्जाम में बैठते हो, चाहे वो IFS की हो, चाहे RFS की हो, चाहे RS की हो, IAS की हो, JRF नेट की हो, सब में इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है एग्जाम ओरिएंटेड, मेरी कोशिश रहेगी उन सभी टॉपिक को मैं एक एक कवर करते हुए वीडियो में आपसे मैं बीच बीच में शेयर करता रहूँगा। और आपके किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।